आज कौन सी तारीख है? आज कौन तारीख है? आज 23 दिसंबर 2015 है। ये देखो, देखिए अब ये जो है ना, ये देखिए जिनका कुत्ता है उन्हीं का ये बछड़ा है। हाँ, और ये देखिए, अब देखिए कुत्ता यहाँ सुबह शाम आग जलाते हैं, रात में आग जलाएंगे, उन्हीं कुत्ता है हमारे खानदानी, वही पत्रकार जो हैं उन्हीं का कुत्ता, उन्हीं का बछड़ा। ये कुत्ते को देख के बछड़ा आगे इधर बढ़ा। ठीक, अब इस बछड़े की कहानी यही है कि आप जिसको जज साहिबा ने 12 दिन तक अस्पताल में इनको रखा, कैद में, खाने पीने के नाम से डबल रोटी और मैगी और चिली पनीर लेके आई थी, वो सब कहाँ खाए जानवर। 13 दिन में इसको मैंने बाहर निकाला। अरे हमने कहा मर जाएगा उसी में मैडम, और बस इंजेक्शन, अरे उसका खून उतरा है, इंजेक्शन क्या काम करेगा उसमें। तब अब वही बछड़ा जो है यहाँ पड़ोस में आके मेरे ही दरवाजे बैठ रहा है कि बाबा जी, जब इन कुत्ते के लिए कर रहे हो, उनके लिए कर रहे हो, तो हमारे लिए भी कुछ करो। अब इनको भूसा तो खाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी घूमते, अब ये टहलते घूमते शहर में कहीं केला छिलका पा गए, कहीं कुछ पा गए, एक नमूना दिखा रहे हैं। अब हम देखो, श्री राम ने कहा भी हो सकता है 10-15 मिनट लग जाए उनको, तो वहाँ अब हम सोच रहे थे ड्रेसिंग होगी तो उसी में आपका भी हम बना देंगे। अब ये बछिया है, अब इनकी ड्रेसिंग अभी होनी है, और उसके बाद यही है कि रोज़ की दिनचर्या आपको हम दिखा रहे हैं कि ये हालात हैं यहाँ के। अकेले आदमी अब जा रहे हैं बंदर भोज के लिए, और ठंडक आज फिर होगी तगड़े में, है ना, क्यों अभी से ठंडक मतलब महसूस हो रहा है। तो आप उधर बछड़े को देखिए, वो देखिए वही बच्चा है। और 13 दिन जज साहिबा ने भर्ती करके पूरी रायबली को हिला दिया। दीक्षित आ गए, मलिक मऊ वाले, अंजलि स्वीट वाले को बुलाया, और मिश्रा जी को बुलाया, इसी के निमित्त बुलाया था, हमारे सामने बुलाया, और इसी के बारे में कहा भाई। अच्छा, और क्या, और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई जिक्र नहीं, तो, कहीं कोई, तो इसका मतलब हम तो यही सीधे आभास हो रहा है कि वो तो, सीधे इसी परपेज पे है। तो अब इसी से 3 लोगों को बुलाया, और इतने बड़े ये नंदी बाबा को कोई रखने के लिए तैयार नहीं, आपके लिए आपसे बाहर थी। हमने कहा देखो, गांव जवान का मामला है, आपने डुग्गी पिटवा दिया कि एक दूध देने वाली गैया आ रही है। हमने भी सोचा, हम भी भैया रोज थोड़ा मुंह धो लेते रहे कि शायद अरे आद्या गुप्ता ऐसी हंसी उड़वाए, आज तक ऐसी महिला तो हम ऐसी महिला नहीं देखा, नहीं देखा मैंने भी महाराज जी, नहीं देखा होगा, सुना भी नहीं, सुना भी नहीं। हाँ, इतनी बड़ी पोस्ट की महिला और ये पागलपन। अच्छा, ये अगर पागलपन हो तो हर चीज़ में पागलपन हो, तो उसमें तो हर चीज़ में तो पागलपन नहीं दिखता नहीं। अब हम भी रोज़ तैयारी किए, उधर आपके पिताजी रोज़ सोच रहे थे, रोज़ बल्कि हमारे ख्याल से 2-3 बार लोगों से पूछा होगा कि अरे भैया, अरे बचौनू वो गई हमसे पूछा था। हाँ, क्यों, कहाँ है वो? हाँ, वो गाय कहाँ है, गाय की सेवा कहाँ चल रही है? अच्छा, इस समय वो जो है एक बछड़े की सेवा में। हाँ, हमने कहा कि बछड़ा वो आपको दिया जा रहा है, वो बड़े आग्रह कर रही थी कि ये नंदी बाबा हैं और उनकी सेवा करना परम धर्म है, धर्म है, और इससे बड़ा धर्म नंदी की सेवा से बढ़कर कोई नहीं है, नहीं है। अब वो नंदी बताइए बुढ़ापे में, अरे बाबा नंदी तो अपने शहर में सैकड़ों इसे घूम रहे हैं, और उनको जो है जब दूध के लिए कहा गया, पूरे आपके जवार में यहाँ वहाँ बात फैल गई है कि गैया आ रही, गैया आ रही। अच्छा, आपके भैया कोई से कहीं नहीं है, मेहरिया गई हुई हैं कतो, तो वो उनसे कहीं नहीं है, एक चर्चा के विषय बन गया कि जब साहिबा की गाय आ रही है, आपके पिताजी जो हैं गिलास उलास लेके बैठे पता लगा बछड़ा भेज रही हैं, और उसके बाद में हम कहें अब हम दीक्षित को गाय नहीं देंगे। अरे हम कहाँ, आप दीजिए चाहे ना दीजिए, लेकिन ये नाटक तो आप ना कराइए कम से कम। इस नाटक से क्या मतलब रह गया ये? अरे भाई, ये बछवा नंदी बाबा की, उनको सेवा पहले अपनी सेवा करें, बड़ा जिंदा तो बच्चे क्या हुआ, वो नंदी बाबा जिंदगी भर सेवा किए, इन्हें
हमने ये भी मैडम के सामने उन लोगों से कहा कि 5-6 क्विंटल आम इनके पिताश्री बंदरों के नाम से दान कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बाघ को बेचते नहीं है, नहीं बंदर आएगा बंदर खाएगा, जो नीचे बचेगा 2-4-10 आम हम खाएंगे, लेकिन पहले बंदर खाएगा। अब वही पट्टी बंधी है, अभी मक्खी है बदबू है, तो अब देखिए 15 मिनट का वही अब बताया ना, 15 मिनट 10 मिनट का समय बता दिया है। अब अंदर इसके जो है काफ़ी बड़ा घाव है, अब वो धीरे धीरे वो अलग और पीछे पैर में अलग पट्टी आज मैंने काट दिया, हमने कहा वो पट्टी बांध देने से वो पैर इसका कस रहा था। तो अभी इसकी ड्रेसिंग अभी करानी है, हम श्री राम के इंतज़ार में हैं, कैमरों को रख रहे हैं, एक नमूना आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे लोग हैं ढिंढोरा पीटने वाले, भोग रहे हैं फिर भी नाटक कर रहे हैं। पूरे रायबली में जब साहिबा ने ढिंढोरा पीट दिया आधी रायबली हिल गई साहब, बस नंदी बाबा। अब 13 दिन तक अगर इसको हम निकाल न दें उसके अंदर से मर जाता, ये उसी में मर जाता। अब अस्पताल वाले क्या, हाँ सर हाँ मैडम इंजेक्शन, अरे वही के पेट में जान नहीं है वही का, तुम सुई लगवा रही हो, इंजेक्शन चल रहा है। तब अस्पताल वाले भी हार गए, तो उन्होंने कहा मैडम ओवर हो जाएगा, और वो भर्ती नगर जानवर मर गया तो अस्पताल वालों के लिए मुसीबत, इसीलिए वो लोग एडमिट नहीं करते हैं। तो हम वाणी को विराम दे रहे हैं, और अभी जय श्री राम आएंगे तो इसकी ड्रेसिंग हम करवाएंगे। और आज की 23 तारीख है, 23 दिसंबर 2015, आप गीतांजलि ब्यूटी पार्लर का सब देख रहे हैं हाल, और यही है सुबह शाम आग जलाओ, वहाँ देखिए सब पूरा काला पड़ रहा है। अभी सब ये हो जाएगा तो यहाँ हम मंगा के यही रंग की पोताई करेंगे, रख रहे।